हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे Xiaomi के नए Redmi Smart TV की, जो कि आता है दो साइजेस में। हमारे पास ये टीवी आया है 43 इंच में, हालांकि आप इसको 32 इंच में भी खरीद सकते हैं। Xiaomi की तरफ से ये एक फुल HD टीवी है। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको मिलता है टीवी और मिलते हैं दो प्लास्टिक के स्टैंड जो कि दोनों तरफ लग जाते हैं। साथ में मिलता है टीवी का रिमोट जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, और इसमें आपको रबर बटन मिल जाते हैं, फीडबैक वगैरह सब अच्छा है। और इसके बैटरी के जो सेल है AAA वाले, वो भी आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे, वो आपको पैकेज में नहीं मिलते हैं। Xiaomi का ये नया Redmi Smart TV आता है दो साइजेस में, और इनकी प्राइसिंग है 15,000 रुपए 32 इंच के लिए, और 43 इंच के लिए आपको 24,000 रुपीज देने पड़ते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये अफोर्डेबल टीवीज हैं, तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पे किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो फ्रेम है वो मेटल का नहीं, ग्लॉसी प्लास्टिक का मिलता है, जिसको अगर आप टच करेंगे, थोड़ा प्रेशर लगाएंगे तो थोड़ा फ्लिमसी आपको फील हो सकता है, लेकिन एज सच कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बैक साइड पे आपको मेटल का बैक भी मिल जाता है, हालांकि उसको टच करने पर ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत मोटा मेटल है, लेकिन अगेन एक तरह से देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से मेटल वाली बिल्ड क्वालिटी आपको बैक साइड पे मिल जाती है। और बीच में आपको मेन कंपोनेंट एरिया मिल जाता है, जहां पे आपका पीसीबी मदरबोर्ड वगैरह लगा हुआ है, और सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों यहां पे ये टीवी रेडमी सीरीज में है, तो आपको रेडमी की ब्रांडिंग मिलेगी, कहीं भी मी या फिर Xiaomi वगैरह नहीं लिखा है। तो रेडमी सीरीज इनकी अलग से एक अफोर्डेबल टीवी सीरीज है। फ्रंट में आपको फ्रेम के ऊपर मिडिल में ब्रांडिंग मिल जाती है बॉटम साइड पे, और बैक साइड पे बड़ा बड़ा रेडमी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि इस टीवी के ऊपर आपको 1 स्टार रेटिंग मिलता है। तो ये टीवी 75 वॉट्स की पावर कंजम्पशन करता है, और यहाँ पे पावर कंजम्पशन को और रिड्यूस करने के लिए टीवी में कुछ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशंस भी दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि नए फीचर के साथ आपको मिलता है, जिनके बारे में हम आगे बताएंगे। दोस्तों पोर्ट्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज देखने को मिला है, जैसे कि HDMI पोर्ट यहाँ पे दो मिलते हैं, जबकि नॉर्मली रेगुलर टीवी में आपको 3 HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें से एक रेगुलर HDMI पोर्ट है और दूसरा HDMI ARC पोर्ट है, जहां पे आपको डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा यहां पे दो USB पोर्ट मिल जाते हैं आपको, जिनमें आप USB पेन ड्राइव या फिर कोई ब्लूटूथ कीबोर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ यहां पे आपको एंटीना पोर्ट मिल जाता है, और उसके बाद यहां पे आपको ईयरफोन पोर्ट मिलता है, यानी कि हेडफोन जैक, जिसके थ्रू आप कोई स्पीकर वगैरह या फिर हेडफोन जो है कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टीवी आपको दो साइजेस में मिल जाता है, एक है 32 इंच और एक है 43 इंच। हमारे पास ये टीवी 43 इंच में आया है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो यूनिट हमें मिली है उसमें हमें IPS पैनल देखने को मिल रहा है। हालांकि जब हमने Xiaomi से पूछा कि इसमें आपको IPS पैनल मिलेगा या VA पैनल मिलेगा जब कोई भी कंज्यूमर इसको खरीदता है, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स होते हैं, तो ऐसे में आपको कोई सा भी पैनल मिल सकता है, VA भी मिल सकता है और IPS पैनल भी मिल सकता है। लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो हमने यूज करके देखा है, उसके हिसाब से मुझे इसके व्यूइंग एंगल्स अच्छे लगे हैं, कलर वगैरह अच्छे लगे, कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे मिल जाते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स अच्छे लगे, साथ साथ एक और अच्छी बात है, वो है इसकी साउंड क्वालिटी। टीवी के अंदर आपको 20 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं, जो कि काफी लाउड हो जाते हैं। इवन 50 वॉल्यूम पे अगर आप सुनते हैं तो वो काफी लाउड लगता है, 50 से 75 के अंदर वो काफी लाउड हो जाते हैं, और साउंड क्वालिटी भी अच्छी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, DTS HD का सपोर्ट मिलता है, DTS वर्चुअल का सपोर्ट मिलता है, और डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था वो सिर्फ आपको पोर्ट के थ्रू मिलता है, टीवी के स्पीकर के थ्रू आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता है। दोस्तों टीवी के सॉफ्टवेयर में आपको गूगल का लॉन्चर मिलता है, साथ साथ पैच वॉल 4.0 मिलता है, जो कि लेटेस्ट है, और यहाँ पे आपको कुछ नई चीजें भी मिल रही हैं, जैसे कि आपको IMDb का इंटीग्रेशन मिल रहा है, यूनिवर्सल सर्च तो मिल ही रहा है, साथ साथ स्मार्ट रिकमेंडेशन वगैरह मिल रहा है, यूजर सेंटर है, और इसके अलावा किड्स मोड भी मिल जाता है। तो ये पैच वॉल के रेगुलर फीचर्स हैं। एक और बात, क्योंकि ये टीवी एक एंड्रॉइड 11 टीवी है, तो यहाँ पे आपको कुछ नए फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट को जब वॉइस कमांड देते हैं तो वो सर्चेबल है अक्रॉस एप्स, यानी कि वहां पे कुछ एप्स का सपोर्ट है। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखनी है और वो मूवी नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो दोनों पे है, तो एक्चुअली में गूगल असिस्टेंट के थ्रू ही आप सर्च करके वो पर्टिकुलर मूवी को प्ले कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम को लॉन्च करने की आपको अलग से जरूरत नहीं है। साथ साथ यहां पे स्पेशल ऐप एक्सेस का एक नया फीचर है, जो कि एंड्रॉइड 11 की वजह से मिलता है आपको, जिसकी वजह से आप जो एप्लीकेशन आपके टीवी पे चल रही है जो कि ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं, उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और एक तरह से पावर कंजम्पशन इस टीवी की
कम कर सकते हैं। दोस्तों आजकल मैंने देखा है काफी सारे लोग जब टीवी लेते हैं तो चाहते हैं कि वो टीवी पे एक अच्छा सा वॉलपेपर आए, ताकि मान लीजिए टीवी ऑन रहे तो कोई भी देखे तो वहां पे आपको एक अच्छी सी सीनरी दिखाई दे, एक फोटो फ्रेम की तरह वो काम कर ले। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर ऑप्शन के अंदर मी वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सीनरीज और सजेशंस, बाकी सब पोस्टर्स वगैरह जो है वहां पे आपके टीवी पे आएंगे तो वो थोड़ा और अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो वो फीचर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों हार्डवेयर के हिसाब से यहाँ पे 1 GB की रैम मिलती है इस टीवी पे, और साथ में आपको मिलती है 8 GB की स्टोरेज। अब स्टोरेज देखा जाए तो 8 GB में से आपको तकरीबन 3.7 GB मिलता है। दोस्तों कंक्लूजन में इतना कहना चाहूंगा कि ये एक नया टीवी है जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 मिल रहा है, तो ये इसकी प्लस बात है। आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड का कुछ हद तक जो टीवी में मिलता है वहां पे आपको एंड्रॉइड 11 मिल रहा है, और कुछ नए फीचर्स भी मिल रहे हैं जिसकी वजह से आपका यूसेज थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। टीवी का इंटरफेस फास्ट और रिस्पॉन्सिव फील होता है, अगेन कोई वहां पर दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिली। कनेक्टिविटी टीवी की अच्छी है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल मैं इसे कहूंगा एक वैल्यू फॉर मनी टीवी है। हालांकि कुछ चीजें इतनी अच्छी नहीं भी है और वो हमने आपको बताई है इस वीडियो के अंदर, तो आप उनको भी ध्यान रखना। और इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस होती हैं इन टीवी के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।